मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश पुलिस की बर्बरता की बेहद ही शर्मनाक वीडियो सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोद में बच्ची को ये शख्स लिया हुआ है, मगर पुलिस इस शख्स की पिटाई बड़ी ही बेरहमी से कर रही है। पुलिस की इस करतूत का वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया। ये पूरा मामला कानपुर देहात का है। गोद में बच्ची लिए हुए शख्स का नाम है पुनीत शुक्ला। पुनीत शुक्ला की मां ने तो उसने बताया कि अस्पताल कैंपस में पानी भर रहा था, जिसके बाद कुछ लोग उसके भाई रजनीश शुक्ला के पास आए और अस्पताल में पानी भरने की बात बताई, जिसके बाद रजनीश शुक्ला मौके पर पहुंच गए। अस्पताल में काम चालू था, इस दौरान ये लोग कुछ देर वहां पर ठहर गए, मगर इसी दौरान वहां पर पुलिस पहुंच गई और लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने यह भी नहीं देखा कि जिसे वो लाठी मार रही है उसके गोद में एक 3 साल की बच्ची भी है। वहीं SDM साहब वगीश शुक्ला ने तो इस मामले को कुछ अलग ही कहानी बता डाली। एक जानकारी हुई, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है रजनीश करके, वो वार्ड बॉय के पद पे यहाँ कार्यरत है। उसके द्वारा सुबह से ही जो मरीज आए थे दिखाने के लिए, वो मुख्य जो दरवाज़ा है OPD का वो बंद करवा दिया गया था और उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो मरीज काफ़ी यहाँ परेशान थे। कई मरीजों के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया और SP साहब को भी फ़ोन किया गया कि उनको जो है तमाम समस्याएं हो रही हैं, वो दूर दूर से दिखाने के लिए आए हुए हैं और उनके द्वारा, रजनीश के द्वारा, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, गेट को बंद कर दिया गया है। काफ़ी परेशान थे, फिर हॉस्पिटल से भी सूचना गई थी तो हम और CO साहब लोग आए। इसी बीच देखा गया कि जो मरीजों से बार बार वो जो जाना चाह रहे थे उनसे उलझ रहा था, धक्का मुक्की का प्रयास कर रहा था उनसे, तो SO साहब गए उनको पब्लिक को अंदर जाने देने के लिए, उन्होंने प्रवेश कराने के लिए, तो वो उनसे भी उलझ गया। तो इसी बीच में जो है पब्लिक को से भी हाथापाई किया, तो इसके दृष्टि रखते हुए फिर उनको जो है थाने उनको भिजवा दिया गया है और सभी मरीजों को जो है जो यहाँ परेशान थे उनको दरवाज़ा खुलवा करके उनको डॉक्टर साहब के लोग भेज दिया गया, वो लोग सब अपनी अपना इलाज करा रहे हैं। सर, लाठीचार्ज भी हुआ? नहीं, लाठीचार्ज की कोई बात नहीं, केवल उन्होंने जो पब्लिक को परेशान कर रहे थे उसी के दरमियान उनको जो है हटाया गया, लाठीचार्ज जैसा कोई मामला नहीं। सुना आपने, लाठीचार्ज नहीं हुआ था, सिर्फ वार्ड बॉय को हटाने के लिए पुलिस आई थी क्योंकि मरीजों को वार्ड बॉय अंदर नहीं जाने दे रहा था। और पुलिस का कहना है कि वार्ड बॉय को हटाया गया, उसके बाद लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल के अंदर गए, मगर सच्चाई तो कैमरे में कैद हो चुकी थी जो सबके सामने आ गई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।